साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो चीजें भारत में पहली बार हुई थी उनके बारे में। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो जिन मेरे साथी को सरकारी नौकरी चाहिए सिर्फ वो ही इस वीडियो को देखना, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार थी M.S. सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। और इनको भारत रत्न किस साल में मिला था? 1998 में इनको यह भारत रत्न मिला था। वर्ष 1950 में भारत के जो पहले नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें अतिथि रहे थे कौन? सुकर्णो राष्ट्रपति। तो आपसे पूछा है कि वो किस देश के राष्ट्रपति थे जो कि पहले गणतंत्र दिवस में शामिल हुए थे? तो वो थे दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? अब तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, लेकिन शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तौर पे। तो सबसे पहले किस खिलाड़ी को मिला था? वो थे विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। और जो कि आपको ध्यान रखना है कि भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो राष्ट्रपति दोस्तों अभी जिंदा हैं, फिलहाल में भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी। CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो फिलहाल में 15वें नंबर की राष्ट्रपति है भारत की, और राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सीमेंट प्लांट की शुरुआत की गई थी 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा। उसके बाद में गुजरात में लगाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब दोस्तों पहले तो थी प्लानिंग कमीशन, अब उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी कि इनके अध्यक्ष कौन होंगे जो फिलहाल में प्रधानमंत्री होंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अब फिलहाल में पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पहला ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता था जो कि 2007 में हुआ था, और किसने जीता था? भारत ने। कहां पर हुआ था ये? साउथ अफ्रीका में। और फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच हुआ था। अब फिलहाल वाला भी इम्पोर्टेंट बनेगा, 2024 वाला जिसको भारत ने जीत लिया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था? तो आप सभी जानते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए, और उनके बाद में पहला सत्याग्रह था बिहार के चंपारण में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। और किस साल में? 1917 में। भारत में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली, कहाँ चली, कैसे चली, सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कब चली थी, वो साल थी 1853 की और तारीख थी 16 अप्रैल की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी पूछ सकता है कि कितने लोग उसमें सवार थे, तो टोटल 400 लोगों के आसपास उसमें बैठे हुए थे। और ये तो पूछता ही पूछता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी थी इस ट्रेन ने, तो 34 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन बनी है?
तो वो हैं दोस्तों सोनल मानसिंह जी, जिनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस नृत्य से है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो भरतनाट्यम प्लस ओडिसी नृत्य की ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? यानी सीधी सी बात है, पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो उनका नाम है सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। और ये कब बने थे? 1973 में। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम है दोस्तों कल्पना चावला, जिनका संबंध था हरियाणा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो है इंडिया की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। जी हाँ दोस्तों, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, उसमें इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान जो कि है कौन? रजिया सुल्तान। वह किसकी पुत्री थी? तो यहां से आपको दो क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। एक तो पहली महिला सुल्तान है और किसकी पुत्री थी? तो वो थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। और इनकी मृत्यु होती है 1240 में। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो भाई हम आजाद हुए 1947 में, और जो पहली स्वतंत्रता के बाद जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ, जिसको आप लोग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA बोलते हो, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उसके पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, और इसकी स्थापना कब होती है? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किस वर्ष में जीता था? तो वो था दोस्तों नेदरलैंड का ओलंपिक 1928 में हुआ था, जिसमें भारत ने हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जीता। और ये भी पूछ सकता है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने? तो टोटल 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं भारत ने हॉकी में, और लास्ट वाला आया था 1980 में। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो एशियन गेम पहली बार भारत में हुए थे 1951 में, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। डूरंड कप का पहला संस्करण भारत में किस वर्ष खेला गया था? तो काफी पुराना कप है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1888 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है।